हाँ तो हम लोग आज लेक्चर नंबर फोर देखते हैं लेक्चर नंबर फोर में चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर फोर देखने जा रहे हैं इसमें मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे मोलारिटी निकालने का आपको सेकंड तरीका सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ आज अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है आपको और उस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दिया हुआ है डी ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी कितना दिया है डी ग्राम पर मिलीलीटर और उस सॉल्यूशन के अंदर एक्स परसेंट डब्लू बाई डब्लू समझिए एक परसेंट डब्लू बाई डब्लू सॉल्यूट का प्रेजेंट है अगर तो हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं यानी ये मोलारिटी निकालने का दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड टू फाइंड मोलारिटी ऐसे में हम लोग करेंगे क्या तो मान लीजिए कि अगर सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट M1 है और आप एक लीटर सॉल्यूशन ले लिए कितना सॉल्यूशन ले लिए एक लीटर सॉल्यूशन ले लिए तो एक लीटर सॉल्यूशन लिए एक लीटर का मतलब क्या होता है थाउजेंड मिलीलीटर लीटर एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है थाउजेंड मिलीलीटर तो एक लीटर सॉल्यूशन मतलब थाउजेंड मिलीलीटर और थाउजेंड मिलीलीटर सॉल्यूशन का वजन कितना होगा तो वन लीटर सॉल्यूशन का वजन यानी W विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेक्चर नंबर टू में आपको ये फार्मूला बताए थे वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे आपने सॉल्यूशन कितना लिया है थाउजेंड मिलीलीटर लिया तो थाउजेंड डेंसिटी कितना डी तो थाउजेंड डी हो गया आपका सॉल्यूशन का मास अब अब इस मास में एक्स परसेंट सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मास आप निकाल सकते हो सॉल्यूस का मास वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन एक्स परसेंट ऑफ ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के वेट का कितना परसेंट एक्स परसेंट है सोल्यूशन का वेट आपने कितना निकाल लिया है मास या वेट कहिए सॉल्यूशन का कितना थाउजेंड डी तो एक्स परसेंट का मतलब क्या हुआ एक्स बाई हंड्रेड एक्स बाई हंड्रेड इंटू थाउजेंड डी वेट ऑफ सॉल्यूशन दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया बच गया टेन एक्स डी ये टेन एक्स डी क्या है W1 वन यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अब आप वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया और इसका मोलिकुलर वेट कितना है सॉल्यूट का M1 आप M1 से डिवाइड कर दो तो M1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कितना लीटर वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो एक लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना लिखला डब्ल्यू वन बाई एम वन वन का वैल्यू आया है टेन एक्स डी बाई एम वन टेन एक्स डी अपॉन एम वन यानी एक लीटर सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का मोल्स इतना है और आपको लेक्चर नंबर थ्री में आपको हम मोलारिटी का डिफिनीसन बताए हैं मोलारिटी का डिफिनीसन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन में है तो आप इसी को डिफिनीसन ऑफ मोलारिटी से आप इसे क्या कह सकते हैं मोलारिटी कह सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू टेन एक्स डी अपॉन एम वन टेन एक्स डी अपॉन एम वन ये आपका मोलारिटी हो गया अब जो है ये मोलारिटी निकालने का दूसरा तरीका है अब इस फार्मूला पर हम लोग अभी अभी इसी लेक्चर में क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे जो एन में दिया हुआ है और आर मुखर्जी में दिया हुआ है इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे अब मोलारिटी ऑफ डोल्यूशन मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन है गाढ़ा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए तो, तो वो डाइल्यूट हो गया डाइल्यूट तो हो गया तो अब उसकी मोलारिटी कितनी होगी मान लीजिए कि शुरू में सॉल्यूशन की मोलारिटी एम वन है उसका वॉल्यूम भी वन है इसमें थोड़ा और पानी डाल दीजिए तो वॉल्यूम भी वन से बढ़ के कितना हो जाएगा भी टू हो जाएगा तो वॉल्यूम अगर भी टू हो गया तो मोलारिटी भी तो चेंज कर जाएगी मोलारिटी घट घट के क्या हो जाएगी एम टू और इसको निकालने का तरीका क्या है एम वन एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू भी टू एम वन वन क्या हुआ नंबर ऑफ मिली मोल्स बिफोर डाइल्यूशन यानी पानी डालने के पहले का मिली मोल है और एम टू टू क्या हुआ नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन यानी कि पानी डालने के बाद मिली मोल्स है तो मिली मोल्स तो दोनों इक्वल होता है इसीलिए इक्वल का साइन है आप पानी डालने के पहले आपका चीनी या शुगर या सॉल्यूट जितना क्वांटिटी में पहले है उतना ही क्वांटिटी में बाद में भी रहेगा शुगर के क्वांटिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कोई असर नहीं पड़ रहा है ना वो शुगर बढ़ रहा है ना शुगर घट रहा है बस अंतर अगर किसी चीज़ पे पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है वाटर पे वाटर बढ़ घट रहा है और वाटर घट के और बढ़ के उसके ताकत पर असर डाल देता है सॉल्यूशन की ताकत को चेंज कर देता है पानी अगर बढ़ गया या घट गया तो सॉल्यूशन की ताकत चेंज कर जाती है सॉल्यूशन की ताकत अगर पानी घटा दोगे तो बढ़ जाती है और पानी बढ़ा दोगे तो सॉल्यूशन की ताकत घट जाती है ये चीज़ होता है ठीक है तो ये जो है कंडीशन है ये फार्मूला भी लगा के आप क्वेश्चन बनाओगे ठीक अब देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग अगर मान लीजिए कि तीन तरह के सॉल्यूशन हैं आपके पास एज्यूम कीजिए यहाँ एक सॉल्यूशन है ये दूसरा है ये तीसरा है इसमें सॉल्यूशन का एम वन मोलारिटी है और वॉल्यूम भी वन है इसमें सॉल्यूशन का एम टू वॉल्यूम भी टू इसमें एम थ्री वॉल्यूम भी थ्री अब मान लीजिए तीनों को एक बड़े से कंटेनर में आप डाल दिए तीनों को आप एक ही बड़े कंटेनर में डाल दिए तो इसका वॉल्यूम भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री होगा अब क्वेश्चन ये है कि अब ये नया जो सॉल्यूशन बना ये नया जो सॉल्यूशन बना आपका इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन नया बन रहा है इसका मोलारिटी यानी ताकत यानी पावर कितना है इसका तो इसका मोलारिटी ये निकाल देगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री थ्री इज इक्वल टू नया जो सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी है एम मान लिया कि जो बना सॉल्यूशन उसका मोलारिटी एम है और उसका टोटल वॉल्यूम है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अब इसको ले जाके इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका नया मोलारिटी मिल जाएगा मिक्सचर का मोलारिटी इस मिक्सचर का ताकत मिल जाएगा इसकी ताकत क्या हो जनरली नूमेरिकल बनाते समय क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं मोलर सॉल्यूशन लिखा रहेगा मोलर सॉल्यूशन लिखा रहे तो समझिएगा कि मोलारिटी कितनी है वन एम अगर लिखा है मोलर सॉल्यूशन तो समझोगे कि मोलारिटी है वन एम अगर लिखा है सेमी मोलर सॉल्यूशन तो मोलारिटी है पॉइंट फाइव एम अगर लिखा है डेसी मोलर तो मोलारिटी है पॉइंट वन एम अगर लिखा है सेंटी मोलर तो मोलरिटी है जीरो पॉइंट जीरो वन एम अगर बोलता है कि मिली मोलर तो मोलरिटी उसका है पॉइंट जीरो जीरो वन एम अब हम लोगों को जो है करना क्या है कि इस फार्मूला पर और मोलारिटी पढ़े हैं उस फार्मूला पर मोलारिटी के फार्मूला पर आखिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं एन के प्रॉब्लम या आर सी मुखर्जी के प्रॉब्लम आखिर इस सभी फॉर्मूला पर सॉल्व कैसे होते हैं इन फार्मूलों पर सॉल्व करने के लिए अब हम लोग तरीका देखने जा रहे हैं ठीक है तो इसलिए जो है देखेंगे अब देखिए आप लोग एन का क्वेश्चन नंबर फोर ये दिया हुआ है जो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं टेन एक्स डी बाई एम वन तो ओ देखिए कौक एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री मतलब एसिड का नाम दे दिया अब बताइए एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड है इस नाइट्रिक एसिड का मोलेक्लर वेट कितना हो गया तो मोलेकुलर वेट आप जानते हैं सिक्सटी थ्री इसका मोलिकुलर वेट 63 हो गया अब आपको निकालना है इसका मोलारिटी जब ये कितना परसेंट है 68 परसेंट तो 68 परसेंट अभी परसेंटेज बताए थे एक्स परसेंटेज कितना हो गया 68 परसेंटेज हो गया 68। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना दे रहा है डेंसिटी देख लीजिए डेंसिटी दे दिया आपको 1.504 ठीक है 1.504 ये हो गया डेंसिटी तो अब इसी फार्मूला से तो आप मोलारिटी निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन में आपको पूछा भी गया है व्हाट शुड बी मोलारिटी। मोलारिटी निकालना है देख लो आप देखो यहाँ आपको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी आप उस फार्मूला से जो अभी अभी बताए हैं उससे निकाल लोगे मोलारिटी इज कल टू टेन एक्स डी अपॉन एम वन इससे निकल गया आपकी मोलारिटी टेन हो गया एक्स के जगह आप रख दोगे सिक्सटी एट डेंसिटी के जगह वन पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर और डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट सिक्सटी थ्री हो गया अब इसे आप कैंसिल कर दोगे या इसे कटा दोगे और जो आएगा कैलकुलेशन यहाँ निकाल के आंसर लिख दोगे और मोलारिटी का जो है यूनिट होता है यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर तो यहाँ आंसर में मोल पर लीटर कर दोगे निकल गया इसी तरह फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको एन के दिया हुआ है एक सॉल्यूशन है ये ग्लूकोज सॉल्यूशन ग्लूकोज मतलब आप जानते हैं ग्लूकोज पीते हैं आप लोग तो वही ग्लूकोज है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसके बोतल पर टेन परसेंट डब्लू बाई डब्लू लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन है जिसके बोतल पर लिखा हुआ है टेन परसेंट डब्लू बाई बबलू नहीं डब्लू बाई डब्लू ठीक है डब्लू बाई बब्लू नहीं तो टेन परसेंट का आपको मीनिंग बताए थे कि सौ ग्राम अगर ये ग्लूकोज का शरबत है तो इसमें दस ग्राम आपको ग्लूकोज है और नाइन्टी ग्राम पानी है इसका मतलब यही होता है ये मतलब आपको लेक्चर नंबर टू में हम बताएं, लेक्चर नंबर थ्री में हम समझाएं आपको थ्री और टू में हम समझाए हुए हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तो आप ये क्लियर कर चुके हो कि आपका सोल्यूट का वेट कितना है यानी ग्लूकोज का वेट कितना है ग्लूकोज का वेट हो गया टेन ग्राम अब पानी का वेट कितना है पानी का वेट हो गया बोलिए हंड्रेड में दस तो पानी का वेट कितना हो गया नाइन्टी अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला वन ग्लूकोज का फार्मूला होता है सी सिक्स एच टूल्व ओ सिक्स ये है क्या चीज़ का फॉर्मूला ग्लूकोज का फार्मूला ग्लूकोज का फार्मूला सी सिक्स एच ओ सिक्स इसी को जोड़ गया वन हंड्रेड एटी अब ये सॉल्यूशन का आपको निकालना क्या है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन तो मोलालिटी आप निकालने जाओगे तो मोलालिटी आप निकाल पाओगे मोलालिटी का फॉर्मूला आपको बताया गया है लेक्चर नंबर थ्री में कि डब्लू वन बाई एम वन इंटू डब्लू टू इंटू ऊपर क्या थाउजेंड ये मोलालिटी का फॉर्मूला है आप सारा चीज़ पुट कर दो तो डब्लू वन कितना हो जाएगा बाबू आपका टेन मोलेकुलर वेट क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एटी यहाँ वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा वाटर का वेट नाइन्टी और यहाँ थाउजेंड अब इसी को आप कैलकुलेट कर लो आपका निकल जाएगा एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर लो एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो ठीक तो ये आ गया हंड्रेड बाई एटीन इंटू नाइन मोलालिटी आ गया ये मोलालिटी निकल गया ठीक है अब निकालना है मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे हम आप देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला x1 वन इज इक्वल टू एन वन बाई एन वन प्लस एन टू तो आप पुट कर लो n1 वन के जगह क्या रखोगे w1 वन बाई एम वन मोल का फार्मूला होता है वेट बाई मोलेकुलर वेट और यहाँ फिर आपको w1 वन बाई एम वन वेट बाई मोलेकुलर वेट ये हो जाएगा आपको प्लस डब्लू टू बाई एम टू ठीक अब पुट कर दो डब्लू वन वेट कितना है टेन ग्राम मोलेकुलर वेट कितना है ग्लूकोज का वन एटी और यहाँ डब्लू वन वही रहेगा टेन बाई वन एटी और इसमें डब्लू टू बाई एम टू ये वाटर का वेट हो गया नाइन्टी और वाटर का मोलेकुलर वेट ये होगा कितना एटीन अब इसको सॉल्व कर दो एक्स वन निकल जाएगा और एक्स टू निकालने के लिए आप क्या करोगे वन माइनस एक्स वन फार्मूला पढ़े हो तो एक्स टू निकल जाएगा इसके बाद अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी डेंसिटी वन पॉइंट टू है और परसेंटेज तो दिया ही हुआ है और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट एम वन आपका वन हंड्रेड एटी है और परसेंटेज एक्स कितना दे दिया गया एक्स कितना दिया गया आपका टेन और डेंसिटी कितना दिया जा रहा है आपको डेंसिटी वन पॉइंट टू तो आप ये टेन एक्स डी वाला फार्मूला से निकाल लोगे मोलारिटी इज टू टेन एक्स डी अपॉन मोलेकुलर वेट एम वन टेन एक्स का मतलब कितना एक्स के जगह आप क्या रखोगे एक्स के जगह टेन रखोगे डेंसिटी के जगह वन पॉइंट टू और डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट वन एटी ये कैलकुलेट हो जाएगा निकल गया तो ये भी आपका जो है निकल गया ओके अब दूसरा क्वेश्चन देखिए अब देखिए आप आर में आर मुखर्जी बुक में जो है न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जो अभी अभी, अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड नूमेरिकल दिए हुए हैं अब देखिए एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी यू एस ओ फोर इन हंड्रेड मिली लीटर ऑफ वन एम सी यू एस ओ फोर हंड्रेड मिली लीटर वन एम सी यू एस ओ फोर में यानी हंड्रेड मिली लीटर आपको क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया वॉल्यूम दे दिया आपका हंड्रेड मिली लीटर और सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको क्या दे रहा है मोलारिटी दे रहा है वन एम सोल्यूशन की मोलारिटी वन एम दे रहा है और इससे आपको क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स तो आज ये लेक्चर नंबर थ्री में आपको हम बताए हैं पढ़ाए हैं और समझाए हैं कि ये फार्मूला जो है नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या होगा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बड़ा ईजी है नंबर ऑफ मिली मोल्स लेक्चर नंबर थ्री में ये फार्मूला है नंबर ऑफ मिली मोल्स इज़ इक्वल टू मोलारिटी इन टू इन मिलीलीटर तो मोलारिटी वन है और मिलीलीटर में वॉल्यूम हंड्रेड है तो ये निकल गया आपका मिली मोल और पूछा क्या है नंबर ऑफ मोल्स तो आपको बताए थे कि जो है मिली किसी भी मिली को उसके पापा के पास पहुंचने के लिए थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे किसी भी मिली को उसके पापा जैसे मिली मोल है तो मोल में पहुंचने के लिए उसको थाउजेंड से आप डिवाइड कर दोगे ठीक है तो किसी भी मिली को मोल में पहुंचने के लिए आप जो है थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे ठीक है तो हम लोग थाउजेंड से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स डिवाइडेड बाय थाउजेंड नंबर ऑफ मिली मोल हंड्रेड हो गया और ये थाउजेंड से डिवाइड हो गया तो ये आपका मिली मोल कितने मोल्स कितने आ गए पॉइंट वन तो ये आर में क्वेश्चन नंबर आपको सिक्स हाँ चैप्टर ये जान लीजिए किस चैप्टर में आर में क्वेश्चन नंबर सिक्स किस चैप्टर में है तो ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स है इस तरह का इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है आर में जो है ये है थ्री ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मोलेकुलर वेट तो देखिए मोलेकुलर वेट दे दिया थर्टी मोलेकुलर वेट एम वन जो है आपको कितना दे दिया थर्टी और उस सॉल्यूट का वेट कितना दे रहा है थ्री ग्राम सॉल्यूट का वेट थ्री ग्राम दे रहा है तो थ्री ये सॉल्यूट का वेट हो गया मोलेकुलर वेट एम वन आपका थर्टी हो गया ठीक है इसको जो है हम लोग अब फार्मूला पुट करके क्वेश्चन को बना लेंगे एक्चुअली जो है यहाँ ये भी देख लीजिए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट क्या है तो सॉल्वेंट का वेट W2 हो गया 250 ग्राम 250 ग्राम हो गया सॉल्वेंट का वेट अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो मोलालिटी निकल जाएगी मोलालिटी का आज फार्मूला पढ़े हैं आप W1 वन बाई एम वन W2 टू इंटू थाउजेंड बताइए W1 कितना है थ्री M1 वन मोलेकुलर वेट थर्टी ये थाउजेंड और यहाँ W2 कितना है W2 आपका 250. ये 250 इससे कट गया तो फोर ये थ्री कट गया तो टेन और मोलालिटी आपकी कितनी आ गई पॉइंट फोर तो इस क्वेश्चन में मोलालिटी जो है कितनी आ गई पॉइंट फोर आ गई ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक क्वेश्चन नंबर आर में ही सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो उस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टू एम पहले कंसंट्रेशन कितना दे रहा है पहले कंसंट्रेशन दे रहा है 2m और तब कहता है कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मिली मोल्स नंबर ऑफ़ क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मिली मोल्स तो मिली मोल्स निकालने का आपको तरीका बताए हैं अभी भी यहाँ लिखे हैं और आपको पता है ये फॉर्मूला मोलारिटी में आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में रखना है और आप देख रहे हो यहाँ प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन में जो है वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है टू लीटर आप यहाँ देख रहे हो वॉल्यूम आपको यहाँ लीटर में दिया हुआ है टू लीटर दिया हुआ है तो आपको लीटर को किस में चेंज करना होगा मिलीलीटर लीटर में तब जाके आपका मिली मोल निकलेगा तो नंबर ऑफ मिली मोल निकालने का फॉर्मूला यही लगाएंगे आप नंबर ऑफ मिली मोल्स तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मोलारिटी कितना है टू और वॉल्यूम टू लीटर दिया है लेकिन मिली मिलीलीटर लीटर में देंगे तो मिली लीटर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा टू थाउजेंड मिली लीटर और ये आपका आ जाएगा फोर थाउजेंड मिली मोल्स तो कितना मिली uh, मोल्स आपका आ गया मिलीमोल्स कितने आ गए फोर थाउजेंड मिली मोल्स कितने आ गए फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड मिली मोल्स हम लोगों के मिल गए इस तरह निकल गया और भी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जैसे एक क्वेश्चन आपको आर में बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर पॉसिबली थर्ट ट्वेंटी एट जैसे आप ये क्वेश्चन बनाओ इफ 50 मिलीलीटर ऑफ 3 एम एच टू एस ओ फोर सॉल्यूशन Is taken and up to what volume it should be diluted in order to get to get. टू एम सॉल्यूशन तो इसको हम लोग मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला से बना लेंगे इसे हम लोग मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन जो आपको सिखाए थे उससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का फार्मूला अभी अभी बताए हैं एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू एम वन आपको दिया हुआ है थ्री वी वन दिया हुआ है फिफ्टी मिली लीटर एम टू आपको दिया हुआ है टू और भी टू आपको निकालना है तो भी टू निकल गया वी टू टू वन फिफ्टी और बाई टू इट विल बी सेवेंटी फाइव मिली लीटर इस तरह से ये निकल गया तो ये निकालने के हम लोगों के तरीके हैं प्रॉब्लम्स इस तरह से हम लोग बना लेंगे ठीक है इस इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व किए और भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड अभी तक जितने जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको जितना मोलारिटी का और मोलालिटी का परसेंटेज का कंसंट्रेशन टर्म के जितने हमने फॉर्मूला आपको बताया उससे रिलेटेड आप लोग जो है बनाओगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स और हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया एन और आर सी मुखर्जी के क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फर्दर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे और नॉर्मलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताएंगे बनाएंगे और तब जाके हम लोगों का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का समाप्त हो जाएगा और इस कॉम्स केमिस्ट्री चैनल पर लगातार इसी तरह से ये वीडियोस क्लासेज के आते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आप इसे समझते रहोगे और हम लोग क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे सुधार करते रहेंगे और हमारी क्वालिटी में कहीं किसी तरह की त्रुटि या कमी या खामी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसके लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से ज़रूरी से सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ आप शेयर करें लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके और आपका सिलेबस भी बहुत ही टाइमली अप टू मार्क और आगे आगे चलता रहेगा आप लगातार हमसे कांटेक्ट में बने रहिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को हमसे हरदम कांटेक्ट में बने रहिए कॉम्स केमिस्ट्री के संपर्क में बने रहिए आपको हर तरह की दिक्कतें दूर की जाएंगी और हर तरह की दिक्कत इस पर दूर होगी इसमें आप बिना किसी संकोच के बिना किसी संदेह के ये डायरेक्ट जुड़े रहिए लगातार आपको बेनिफिट होते रहेगा और जहाँ तक अधिक से अधिक चीज़ें हैं हम लोग नई नई चीज़ें लाते रहेंगे इस चैनल पर नए नए कॉन्सेप्ट देते रहेंगे और भी कई नए कॉन्सेप्ट हमारे पास अब तो आ रहे हैं जिनको कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ओके okay, अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर फाइव में अभी लेक्चर नंबर ये फोर्थ था हम लोगों का अगले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर फाइव में मिलेंगे जिसमें हम लोग नॉर्मलिटी वगैरह पढ़ेंगे इंटर रिलेशन पढ़ेंगे और तब हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा